लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी का अपना एक इतिहास है। अखरोट की लकड़ी से बनी इस कुर्सी पर कभी जवाहरलाल नेहरू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी आसीन हो चुके हैं। दरअसल फरुखाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू ने इसी कुर्सी पर बैठकर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं सेना के एक कार्यक्रम में फतेहगढ़ आए पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए इस कुर्सी को फतेहगढ़ ले जाया गया था, लेकिन 1996 में शहर में पेयजल समस्या को लेकर हुए एक जन आंदोलन में आंदोलनकारियों ने इस कुर्सी को चकनाचूर कर दिया था। वहीं जब अधिकारियों को इस कुर्सी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी मरम्मत कराने के निर्देश दिए। ये नगर पालिका की कुर्सी हमारे फर्रुखाबाद के जनपदीय इतिहास की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। प्रथम तो ये आम लकड़ी से अलग अखरोट की बनी हुई है। दूसरा, इसमें सबसे पहले 1904 से जो नगर पालिका की शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद में ये कुर्सी 1916 में ये प्रारंभ की गई थी और इसके बाद जिसमें चेयरमैन बैठते रहे। जब देश आज़ाद हुआ तो 1952 में जो 51-52 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनको बैठाला गया था। इसके बाद 1966 के दिसंबर में जो रेल से आए थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे, द्वितीय राष्ट्रपति, और जो कोऑपरेटिव बैंक फतेहगढ़ के सामने जो मिलिट्री में जो बना हुआ लाल सा किला ऐसा दिखाई पड़ रहा है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया था। और ट्रेन से जब आए थे तो उनके लिए अलग से ये प्लेटफार्म तोड़ करके बनाए, तो राधा कृष्ण कोविल के लिए वो कुर्सी वहां पर ले जाई गई थी। फर्रुखाबाद नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी का एक अपना इतिहास है और इस ऐतिहासिक कुर्सी पर कब्जा करने के लिए प्रत्याशियों ने जी जान एक की हुई है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस कुर्सी का माननीय अध्यक्ष कौन होगा। हरियाणा प्रदेश में धुंध और कोहरे का कहर अब जान भी लेने लग गया है। अंबाला सिटी में जंडली पुल पर हुए एक सड़क हादसे ने दो जिंदगियां ली ली। दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में हिमाचल रोडवेज की मनाली से दिल्ली जा रही कुल्लू डिपो की बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि टक्कर के बाद बस के परखच्चे उड़ गए और ट्रक हाईवे की रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी ओर जाकर पलट गया। इस हादसे में बस ड्राइवर की और बस में पीछे बैठी एक लड़की की मौत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर भी बुरी तरह से घायल हो गया है। NH1 पे जंडली पुल के ऊपर चंडीगढ़ की तरफ से एक ट्रक आ रहा था, पीछे से ओलो बस हिमाचल रोडवेज की आ रही थी। किसी कारण उनका बस ने पीछे आगे जा रहे ट्रक को टक्कर मार दी और टक्कर लगने से जैसे ही ड्राइवर रोडवेज वाला फंस गया और उसको बड़ी मुश्किल से निकाला, मेडिकल में भेज दिया गया है, रास्ता डाइवर्ट करवा दिया गया है। इंजरी तो हुई है काफ़ी, उन सभी को 4-5 लोगों को मेडिकल में भेज दिया गया है। अभी मालूम हुआ कि वो मेडिकल में दो बंदों की डेथ हो चुकी है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद बलदेव नगर थाने की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और क्रेन की मदद से बस और पलटे हुए ट्रक को हाईवे से हटाया, जिसके बाद यातायात दुरुस्त हो पाया। फिलहाल आपको बता दें कि इस घटना को लेकर पुलिस का मानना है कि यह हादसा कोहरे या ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ है। 5 साल उत्तर प्रदेश में एक सरकार काम करती रही, जिसका नगर विकास का मंत्री उत्तर प्रदेश ही नहीं शायद देश में इतनी उल्टी खोपड़ी का मंत्री कभी आज तक देखा नहीं गया होगा। जो आदमी पूरे कार्यकाल भर सुबह से शाम अपने विभाग को ही उल्टा करने पर लगा हो, उससे नगरों के विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है। इन सरकारों की मंशा है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग जब सरकार में आए तो हमने एक संकल्प पत्र आपके सामने रखा। उस संकल्प पत्र के अनुसार पहले दिन से उस संकल्प पत्र के अनुसार इस सरकार ने काम किया है। कोई ऐसी सरकार जो अगर सरकार ने संकल्प लिया कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे तो पहली कैबिनेट में पूरी तैयारी करके ऋण माफ करके दिखाया। वन कर्म वचन में चरितार्थ